इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यज्ञ तो बहाना था, आसुरी शक्तियों के समापन की यात्रा थी। गुरु विश्वामित्र जी ने यज्ञ भगवान की प्रार्थना पर प्रारंभ कर दिया। सुबह हमारी ससमाज दौड़े, भगवान ने एक बिना फर लगाए सर मारा, सौ योजन पार मारी गिरा। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मार के विध्वंस कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षा भई, बोलिए यज्ञ देव भगवान की, यज्ञ रक्षक भगवान की। अपनी भक्ति वर्धन हेतु गुरु विश्वामित्र जी महाराज पुराण इतिहास की कथाएं भगवान और भैया जी को सुना रहे हैं। कुछ दिन प्रभु वहां रहे। इतने में मिथिला से जनकराज महाराज जी का संदेश आया। बिटिया रानी के स्वयंवर में आशीर्वाद देने हेतु गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी पधारने की कृपा करें। गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण प्रभु से कहा, ऐसी ऐसी खबर आई है, आपकी क्या इच्छा है? जो गुरु आज्ञा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के जीव जंतु कहना आश्रम एक मगमाई खग मेघ जीव जंतु कहना ओछा मौने शिला प्रभु दे कल कथा मुनि सकल कथा सकल कथा। धनुष यज्ञ है, उसके दर्शनार्थ प्रभु और श्री लक्ष्मण जी महाराज मुनिगणों के साथ में गुरुदेव के सानिध्य में चले। मार्ग में एक आश्रम मिला, एक पत्थर की प्रतिमूर्ति दिखी तो प्रभु ने गुरु जी से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी? प्रभु नहीं देखा? हाँ, प्रभु की दृष्टि पड़ गई हो, क्योंकि प्रभु के लिए ही शिला प्रतीक्षारत थी। और गुरु जी ने क्या कहा, गौतम नारी शाप बस ओ पल देह धरी धी चरण कमल रज कृपा करो। राम जी गौतम जी की प्रिया है।
हैं अहल्या जी। शाप के वशभूत प्रस्तर हो गई है, आपकी चरण रज से इनका मोचन ऋषिवर ने कहा है, अस्तु कृपा करहु रघु। गुरु जी ने कहा, भगवान ने कृपा कर दिया, प्रश्न नहीं। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायन सोख जायत, सन्मुख होइ कर अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धारे। जैसे ही परमात्मा ने रज स्पर्श कराया चरण रज, मां में चेतना आ गई और अहल्या मां भगवान को देखी तो देखती रह गई, नेत्र झरझर बहने लगे हो। देखो, रोना भी सबको नहीं आता और ऐसे यूं आंसू निकलते भी नहीं, बिना अर्थ के आंसू नहीं निकलते। जब कहने की स्थिति नहीं होती है तो नेत्र अपने आप बोलने लगते हैं, जुगल नयन जल धारे। अब जब नेत्र झरझराए, नेत्र बह गए, तब मां ने मन को धैर्य धारण कराया और बोलने लगी, धीरज मन कीना प्रभु कीना, रघुपति कृपा पंकज।
मन भावा तो कर पावा प्रति लोक मन भावा तो कर मन भावा माँ ने कहा मुनि शाप जो दीना अति भल की परम अनुग्रह करने का फल कर्म हो गया फल चाहिए फल मिलेगा इसलिए कर्माण में कर्म श्रेष्ठतम करना है कि फल भी श्रेष्ठतम आए कर्म बिगड़ा फल बिगड़ेगा बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो श्री चरण कमल का पराग पान करे रस पान करे ऐसी कृपा करिए प्रार्थना करते हुए पतिलोक गई बाबा ने कहा अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सठ ते भजो ऐसे प्रभु अकारण करुणा करने वाले मेरे सरकार ने करुणा कर दी कि वो स्वामी जी निज मन से कहते हैं हे सठ मन सब छाड़ कर कपट छाड़ कर जंजाल छाड़ कर कपट क्या जो है नहीं वो दिखना कपट है मारीच हो कपट मृग तुम छलकारी जय मिसे हरि ना नौ नृप नारी नारी कपट जंजाल गृह कार नाना जंजाला बाबा कहते तुलसीदास सठ ते ही छावण कपट बजिए प्रभु आगे बढ़े चले राम लक्ष्मण मुनि संगा सब कथा सुनाई समेत नहाए बृंद सहाया नर नार सुभग शुद्ध संता धर्मशील ज्ञानी गुण नर नार सुभग शुद्ध संता धर्मशील ज्ञानी बोलिए मिथिलापुरी की भगवान गुरुदेव के साथ चले गंगा माँ का दर्शन हुआ गंगा अवतरण की कथा गुरुदेव विश्वामित्र जी ने प्रभु को सुनाई प्रभु सुने प्रसन्न हुए स्नान भया ब्राह्मण देवता दक्षिणा पाए सरकार मिथिला में प्रवेश किए हैं एक अमराई देखकर मिथिला में वास हुआ जनक राज ने स्वागत किया वेलकम दिव्य स्वागत हुआ है इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।